अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गरेबान में मतीउल्लाह जान। कुछ दिन पहले ही योम सहाफत, सहाफत का आलमी दिन, प्रेस फ्रीडम डे, आज़ादी या सहाफत का दिन जो भी कह लें वो गुजर गया, मगर सहाफ़ियों के लिए तो ये दिन रोज़ ही आता है। दुनिया के लिए या आम लोगों के लिए ये एक दिन है जिसको हम 3 मई योम सहाफत कहते हैं, मगर हमारे लिए रोज़ाना ही योम सहाफत होता है। हम हर रोज़ ही सरापा एहतजाज होते हैं, हम हर रोज़ ही दबाव और धमकियों का शिकार होते हैं, और हम हर रोज़ ही मरते हैं नामालूम अफराद की गोलियों के हाथों, ज़ख्मी होते हैं और उनकी धमकियों को और उनके दबाव को बर्दाश्त करते हैं। और ये धमकियां और दबाव और ख़तरात किसी एक सिम्त से नहीं, हर सिम्त से दरपेश होते हैं। आज पाकिस्तान की सहाफत उसी तरह अपना सफ़र जारी रखे हुए है जो सफ़र शायद आज से 30-40 साल पहले शुरू हुआ था जनरल ज़ियाउल हक की आमरियत के बाद से, और अभी भी हमें वो जमहूरियत या वो आज़ादी सहाफ़त या आज़ादी राय देखना नसीब नहीं हुई जिसका ख्वाब हम हर रोज़ ही देखते हैं, और ख़ास कर सहाफ़त के आलमी दिन या आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन के ऊपर ये ख्वाब देखा जाता है जिसकी ताबीर के हम आज भी मतलाशी हैं। पाकिस्तान में भी आज़ादी सहाफ़त का ये दिन गुजर गया। हम आज के प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पाकिस्तान के सहाफ़ियों की पेशावराना ज़िंदगी में कोई बेहतरी आई, क्योंकि जितनी कुर्बानियां पाकिस्तान के सहाफ़ियों ने दी हैं इतनी कुर्बानियां शायद दुनिया के किसी मुल्क के सहाफ़ियों ने नहीं दी होगी। जितनी जंगें पाकिस्तान के सहाफ़ियों ने लड़ी हैं, और ये जंग दूसरी नौयत की थी मगर लड़ी हैं, इतनी जंगें शायद दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं लड़ी गई होंगी। पाकिस्तान ख़तरनाक तरीन ममालिक में शामिल किया जाता है सहाफ़ियों के लिए, सहाफ़त के लिए। हमारी खुशकिस्मती है या बदकिस्मती है, हम अफ़गानिस्तान के भी पड़ोसी हैं और हम अपने पड़ोसी मुल्क भारत की साजिशों का भी शिकार रहते हैं, और पाकिस्तान के अंदर की जो सियासत है वो भी एक बहुत बड़ा अंसर है कि सहाफ़ी अपने आप को गैर महफूज तसव्वुर करते हैं। पाकिस्तान में बड़े बड़े सहाफ़ियों का खून बहा, मगर बहुत कम ऐसा हुआ कि उन सहाफ़ियों के कातिलों को पकड़ा जा सका। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, ऐसे केसेस हैं जिन पे सुप्रीम कोर्ट तक के सतह के जजों ने तहकीकात की मगर उसका कोई नतीजा नहीं निकला। एक अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल जिसके कत्ल के बाद तहकीकात इस नतीजे तक पहुंच गई कि शायद जो मुलजमान पकड़े गए थे उनको ही मुजरम भी तसव्वुर करके सज़ा तो सुना दी गई, मगर फिर उस केस में भी बाद में ये खबरें आई कि असल मुजरम शायद अभी भी नहीं पकड़ा गया। बहरहाल हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के मुआशरे की आंख और कान की बात करते हैं, पाकिस्तान के सहाफ़ियों की बात करते हैं। हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियाँ होती हैं, मगर फिर इन्हीं गलतियों से हमने सीखना है, हमारे मुआशरे ने सीखना है। क्या हमने वो कुछ सीखा कि जो हमारी सहाफ़त को बेहतर कर सकता, ये एक आज का सवाल है, और इसी हवाले से जवाब के लिए हमने अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है रेजिडेंट एडिटर नवाए वक्त जावेद सदीक साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं एशिया डिस्पैच पाकिस्तान के सहाफ़ी हमज़ा अमीर। हमज़ा अमीर का एक और तारफ़ ये भी है कि हमारे शहीद सहाफ़ी सलीम शहज़ाद, जिनकी डेड बॉडी जो है आज से 4 साल पहले मिली थी, उनके ये ब्रदर इन लॉ हैं, और इनसे हम उस हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस जो मौजूदा हैं साकिब निसार साहब, उनकी सरबराही में एक अदालती कमीशन ने उनके कत्ल के हवाले से एक रिपोर्ट भी दी थी, गो कि वो रिपोर्ट भी बेनतीजा थी मगर उसमें बड़ी अहम सिफारशात भी थी, उन पर भी हम बात करेंगे। हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं मुबशर ज़ैदी, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, डॉन न्यूज़ से इनका ताल्लुक़ है और बड़ा एक मशहूर प्रोग्राम करते हैं ज़रा हट के, और मुबशर ज़ैदी से भी हम बात करेंगे प्रेस फ्रीडम के हवाले से। जब हम पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त की बात करते हैं तो उसका एक मुख्तसर जायज़ा आपको हम दिखाते हैं इस मुख्तसर रिपोर्ट में। जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है सहाफ़ी,
ये सब लोग वफाकी दारुलहुकूमत के आमिल सहाफ़ी हैं और आज़ादी इज़हार राय के हक़ की हिफाजत के लिए यहाँ जमा हैं। सभी डॉन अखबार पर रियासती दबाव के खिलाफ इससे इजहार यकजहती कर रहे हैं। इन सहाफ़ियों का कहना है कि इजहार राय का हक उन्हें प्लेट में रख कर नहीं दिया गया, इसके लिए सहाफ़ियों ने कोड़े खाए और जेलें काटी हैं। एहतजाज में तुंदी और तलखी की एक वजह रियासती सतह पर डॉन अखबार के एडिटर और रिपोर्टर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया जाना है। मुल्क के नामवर सहाफ़ी रहनुमा नासिर मलिक से जब सवाल किया गया कि आखिर ये मामला है क्या, उनका कहना था, किसी JID को ये इख्तियार नहीं है कि वो अखबारात के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई की जो है सिफारिश करे। पहली बात तो ये है, हम कोई JITs के अंडर काम नहीं करते। जब वो इंक्वायरी कमेटी बनी तो उसमें कोई जर्नलिस्ट शामिल नहीं था। भाई एक खबर के बारे में आपने डिस्कस करना है कि ये खबर कैसे आई, कहाँ कैसे छपी, तो उस कमेटी में अगर कोई वर्किंग जर्नलिस्ट होता तो वो बेहतर बात कर सकता था। वर्किंग जर्नलिस्ट की मुश्तमिल कमेटी होनी चाहिए, उनसे सिफारिशें जरूर लें, लेकिन इन मामला को अगर वहाँ पे लेके जाएंगे तो फिर एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स खुलेगा कि फिर उसे आप मेरे ख्याल में फिर क्लोज नहीं कर पाएंगे। सहाफी वर्करों की तंजीम के एक और अहदेदार ने कुछ इन अल्फाज में जवाब दिया, हुकूमत ने खुद ही अपने खिलाफ कार्रवाई करके ये साबित कर दिया है कि उसने दो लोगों को मुजरिम समझा, लिहाजा उन्हें निकाल दिया, खबर दुरुस्त थी। हमने इस खबर को लगाने से पहले जो भी सहाफती एक तरीक़ाकार है उसको हमने मद्देनजर रखते हुए उसको पहले वेट किया, उसकी पूरी तस्दीक की गई, उसके बाद ये खबर छापी। पाकिस्तान में आज भी तहरीर और तकरीर की आज़ादी के लिए जान के नजराने मांगे जा रहे हैं और इसकी ताज़ा तरीन मिसाल शाल की है, जिसे मादर इल्मी में पत्थर और डंडे मार मार कर मार दिया गया। ये एक नई टेक्निक ईजाद की गई है और ये इस कदर कारगर है कि आज़ादी खुद अपने मानी खोने लगी है। ज़रूरत इस अम्र की है कि आज़ादी तहरीर और तकरीर की हिफाजत के लिए एक आवाज़ बना जाए। आपने सुनी ये रिपोर्ट मुस्तफ़ा बुखारी की। सवाल ये पैदा होता है कि आज़ादी राय सिर्फ सहाफ़ियों के लिए है या हर शहरी के लिए, और इसका जवाब एक ही है कि ये हर शहरी के लिए है। आपने इस रिपोर्ट में डॉन अखबार के साथ पेश आने वाले वाक़े का भी सुना, और इसके अलावा हाल ही में आलमी योम सहाफ़त के दिन ही पेम्ब्रा की तरफ से एक निजी टेलीविज़न चैनल बोल TV को भी बंद कर दिया गया, उसका लाइसेंस मंसूख कर दिया गया, उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दी गई। तो ये चंद वाक़यात हैं जो कि ताज़ा तरीन वाक़यात हैं पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त के हवाले से। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा जावेद सदीक साहब आपसे ही, आप तो हमारे नवाए वक्त ग्रुप के ही करता धरता हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या आज पाकिस्तान के सहाफ़ी जो लिख रहे हैं या जो टेलीविज़न पर बोल रहे हैं तो वो आज़ाद हैं हर बात कहने में, और अगर कुछ कहते भी हैं तो कितना फ़ीसद वो सच सामने ला सकते हैं? थोड़ा आम आदमी को समझाने के लिए आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि आपने जो अभी अपना इंट्रो दिया है उसमें अगर कंपेयर किया जाए तो 60s, 70s, 80s का जो दौर था उसके मुकाबले में आज का जो सहाफ़ी है निस्बतन आज़ाद है, यानी अखबारों पे ऊपर वो कदगन नहीं है जो उस ज़माने में होती थी। उस वक्त तो अगर आप हुकूमत के खिलाफ तनकीद करते थे, उसकी पॉलिसियों पर तनकीद करते थे तो आप ज़ेर अताब आ जाते थे, तो बड़ा ही मोहतात तरीके का की सहाफ़त होती थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि 89 के बाद जब प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस जो अयूब खान के दौर का ड्रैकोनियन लॉ था उसको रिप्लेस किया गया बाय ए सॉफ्टर लॉ, उसके बाद तकरीबन सूरत हाल बेहतर हुई। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब सूरत हाल ख़ास तौर पर जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पाकिस्तान में शुरू हुआ उसने सिनारियो को बदल दिया है बहुत हद तक, और ये अनथिंकेबल था, इसके बारे में सोचा नहीं जा सकता था कि सियासतदान जो है अपोजिशन के वो TV चैनल्स पे बैठ के हुकूमत के ख़िलाफ़ खुलम खुला तनकीद करेंगे, उसकी पॉलिसियों पर नुक्ताचीनी करें। ये एक तब्दीली तो ज़रूर है, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि कई तरह की कदगने मौजूद हैं जिसमें कि मैं समझता हूँ कि बहुत से नॉन स्टेट एक्टर्स भी उसमें शामिल हैं और स्टेट एक्टर्स भी शामिल हैं जो कि स्ट्रिंग्स को पुल करते हैं। कुछ तो मैं समझता हूँ कि बहुत से प्रेस जो है हमारा उसको अपनी जो एंटिटी है, अपनी जो इंडिपेंडेंट लाइफ है उसको बचाने के लिए, टू रिमेन इन पावर अफ्लोट, अपने आप को बचाने के लिए उसको कई तरह की कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे एडवर्टाइजिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि बाज़ वो लोग जो आपको लाइफ लाइन प्रोवाइड करते हैं, जो आपको एडवर्टाइजमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, वो भी असरानंदाज होते हैं बढ़िया तक।
और इसके अलावा हुकूमत भी, उसके पास भी कुछ टूल्स अभी मौजूद हैं जिनको कुछ इदारे भी इदारे और इदारे भी वो भी करते हैं, तो इसलिए मैनिपुलेशन अब भी हो रही है। और आपने ये भी दुरुस्त कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग मसलन सियासी जमातें, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, मजहबी ग्रुप और इस तरह के ग्रुप्स भी थ्रेट करते रहते हैं और वो भी एक दबाव है साफ़ी के ऊपर। वो सोचता है कि अगर ये खबर मैंने दे दी तो खुदा न खास्ता मुझे रास्ते में जाते हुए वो कत्ल ना कर दे, और इस तरह के वाक़यात होते रहे जी। और फिर जब सोचता है कि कत्ल ना कर दें तो कत्ल होने के बाद भी होना कुछ भी नहीं है। हमजा अमीर, आपके ब्रदर इन लॉ थे सलीम शहजाद जो सीनियर जर्नलिस्ट थे, सलीम शहजाद के कत्ल के हवाले से एक अदालती कमीशन बना जिसकी सरबराही मौजूदा चीफ जस्टिस साकिब निसार जो उस वक्त जज थे वो कर रहे थे। उस कमीशन की चंद सिफारशात मैं पढ़ देता हूँ फिर आपकी तरफ आता हूँ। सलीम शहजाद कमीशन ने जो चंद अहम सिफारशात की थी उनमें सबसे पहले उन्होंने कहा था कि सहाफ़ियों को दरपेश खतरात पर फौरी कार्रवाई के लिए एक मोहतसिब का क़याम किया जाए। और इसके बाद एक और सिफारिश जो उन्होंने की, खुफिया इदारों की कार्रवाइयों के लिए कानून साजी यानी पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस एक्ट के नाम से एक कानून भी मंजूर किया जाए। फिर एक और सिफारिश के खुफिया इदारों को चार तरीक़ों से जवाबदेह बनाया जा सकता है। खुफिया इदारों के अंदर जो है एहतसाब का निज़ाम बनाया जाए, मुतलका वजारत या वज़ीर के सामने खुफिया इदारों को जवाबदेह बनाया जाए, पार्लिमानी कमेटी के सामने उनको जवाबदेह बनाया जाए, अदालती निज़ाम के सामने उनको जवाबदेह बनाया जाए। फिर सलीम शहजाद कमीशन ने एक और सिफारिश ये की कि खुफिया इदारे के अंदर खसूसी निगरानी और एहतसाब का निज़ाम, मिसाल के तौर पर कौंसल जनरल का एक ऑफिस हो हर खुफिया इदारे में, जैसे कि अमरीकी खुफिया इदारे CIA में है। फिर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इंटेलिजेंस जिस तरह के ऑस्ट्रेलिया में है। फिर ऑडिटर का ऑफिस खुफिया इदारे के अंदर यानी वजारती पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए और आईनी और कानूनी तकाजों को पूरा करने के लिए। फिर एक तजवीज़ जो और सलीम शहजाद कमीशन की तरफ से आई थी कि खुफिया इदारों के जमहूरी एहतसाब के लिए कसीरुल जमाती कायमा कमेटी बराए इंटेलिजेंस का क़याम होना चाहिए। और आखिर में ये सिफारिश भी थी कि सहाफ़ियों की खुफिया इदारों के ख़िलाफ़ शिकायत सुनने के लिए एक अदालती फोरम का क़याम किया जाए या अदालती कमीशन बनाया जाए। ये तो वो सिफारशात थी। हमजा अमीर, क्योंकि आप तो बराह रास्त जो हैं इस तमाम मामले में रहे, तो अभी सलीम शहजाद कत्ल की तहकीकात कहाँ तक पहुँची, पहले तो आप हमें ये बताएं फिर हम सिफारशात की तरफ आते हैं। देखिए, तहकीकात इस हद तक पहुँची भी है कि पिछले दो साल पहले तक मेरे पास एक नए SHO जो भी अपॉइंट होता था उसका कॉल आता था यहाँ FAT थाने का, क्योंकि वहीं केस रजिस्टर्ड था। वो मुझसे पूछने के लिए फ़ोन करते थे कि कोई नई अपडेट है, कोई नई इन्फॉर्मेशन है तो आप बता दीजिए, अगर कुछ हो तो मुझे बता दीजिएगा। इससे ज़्यादा आगे कोई पेशरफ्त इसमें हुई नहीं, ना ही कोई आगे इंक्वायरी चली, ना ही कोई इसके ऊपर आगे किसी ने फॉलोअप किया। शायद उसकी वजह यह भी है कि वो मुझसे जब सवाल करते थे तो मेरा सवाल उनसे ये होता था कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मैं नहीं हूँ, आप हैं, आपके पास कोई फाइंडिंग्स हैं तो आप मुझसे शेयर करें ताकि मैं इस पोजीशन के ऊपर आऊँ कि मैं जो कल्प्रिट है उसको मैं आइडेंटिफाई कर सकूँ। अनफॉर्चुनेटली ना कमीशन ने ये किया और ना ही ये कौन से थाने में तहकीकात हो रही है। ये जी FAT सेक्टर में जो मेन मरकज़ का थाना है, क्योंकि हमारे FAT कचहरी थाना, वहाँ पर ये केस रजिस्टर मैंने ही करवाया था, बहुत प्रेशर के अंदर करवाया था क्योंकि कोशिश ये थी कि शायद कैपिटल में ना करवाया जाए। ठीक है, और कमीशन में आप पेश हुए, बल्कि सलीम शहजाद कमीशन में मैं भी पेश हुआ था, एज अ जर्नलिस्ट पेश हुआ था। उस कमीशन की जो फाइंडिंग थी, आप उसमें क्या निकला आपके ख्याल में? देखिए, दो साल की मेहनत के बाद उन्होंने वो फाइंडिंग थी जो पहली कमीशन की सिटिंग जो थी उसमें डिस्कस हुई थी, और उससे आगे कुछ नहीं। उससे आगे कुछ नहीं, क्योंकि अगर आप पहले हेडर देख लें उसके अंदर तो वो कहते हैं कि स्टेट और नॉन स्टेट फैक्टर्स दोनों इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 2 years एटलीस्ट 2 साल इसकी इन्वेस्टिगेशन चली। वो मेरी फैमिली को, मेरी बहन को स्टेटमेंट के लिए बुलाया भी गया, उनकी इन्वेस्टिगेशन टीम वहाँ भी गई, सब कुछ किया। मैं मंडी बहाउद्दीन को 6-7 चक्कर लगा के आया, सारा दिन की इंक्वायरी समटाइम। जो फाइंडिंग्स वहाँ पे मैंने देखी थी, जो मैंने आगे आइडेंटिफाई की थी, उनको मेंशन तक नहीं किया गया। तो लगा ऐसा कि एक इंतहाई इनकॉम्पिटेंट कमीशन जो बैठा हुआ था उसने खाली एक अपना सर से बोझ हटाना था, तो कमीशन की रिपोर्ट जारी कर दी और उसके बाद उसको ना फॉलोअप किया गया ना कुछ किया। और इस कमीशन की सिफारशात जिस पर कोई फॉलोअप ऐसा आपको नज़र आ रहा हो? मुझे तो नहीं नज़र आया कि कोई मोतसब का क्याम हुआ हो, कोई सीक्रेट सर्विस एक्ट हुआ हो, जिसके लिए फरतुल्ला बाबर हमेशा अपोजिशन में आके कोशिश करते हैं,
और फिर उसके बाद उनको जवाबदेह बनाने के लिए कोई पार्लिमानी कमेटी, कोई अदालती फोरम या कोई वजीर, तो कोई ऐसा मुझे तो नज़र नहीं आया। देखिए, अगर कुछ हुआ भी होता, इनमें से कोई एक रिकमेंडेशन भी फॉलो अप हो चुकी होती, तो उसके बाद भी बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो शहीद हुए हैं, इन द लाइन ऑफ ड्यूटी मारे गए हैं, उनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या अपडेट है? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ठीक, मुबशर ज़ादी साहब, आपका प्रोग्राम बड़ा दिलचस्प है कि मुख्तलिफ पैराए में आप तनकीद करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी, खुफिया इदारों के हवाले से भी बात कर लेते हैं। आप ज़रा हट के जो प्रोग्राम करते हैं, शायद इस वजह से भी आपकी आज़ादी राय जो है वो अभी तक तो बरकरार है, मगर ये जो अब डॉन के इदारे के हवाले से और डॉन अखबार के हवाले से अब दबाव आ रहा है, एक APNS को हुकूमत ने एक शिकायत भेजी है कि आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो कुछ महसूस करते हैं कि आप थोड़ा मोहतात हो गए हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जिन पे आप खुल के आप बात नहीं कर पा रहे? डॉन की बतौर इदारा कोई पॉलिसी में कोई तब्दीली लगती है आपको? नहीं मती, बिल्कुल कोई तब्दीली नहीं है, बल्कि मुझे तो लगता है कि हम ज़्यादा जो है एग्रेसिव हो गए हैं, क्योंकि एक चीज़ पे हमने स्टैंड लिया हुआ है और एक ख़बर थी, उस ख़बर से मुझे नहीं पता कि क्या ऐसी चीज़ उस ख़बर में थी जिससे जो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ऐसा लगा कि जो है कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज़ हो गई है जिससे उनके रेपुटेशन जो है उसको नुकसान पहुंचेगा। तो ये हमारा स्टैंडर्ड पॉइंट है टेलीविज़न पर, एटलीस्ट हम अपने प्रोग्राम में बारहा ये पूछते रहें कि इसमें क्या ऐसी चीज़ है। बहसीयत सहाफ़ी जावेद सिद्दीक साहब मेरे सीनियर हैं, आप भी मेरे साथी हैं, तो आप लोग ही बता दें आपको कोई ऐसी चीज़ उसमें खबर में लगी थी कि आपको लगा कि बहुत ही कोई ऐसा बम फाड़ दिया हो डॉन ने? एक सिंपल बात की गई थी जो कि दो हकूमती इदारों के दरमियान हुई, उसके उसको लेकर के फिर जो एक लंबा चौड़ा सिलसिला शुरू हुआ उसके बाद से सहाफ़ती आज़ादी को ख़ासा नुकसान पहुँचा। मैं 60s, 70s, 80s की बात तो शायद ना करें क्योंकि हम लोग तो 90s के सहाफ़ी हैं, तो वहाँ जो था, अब धीरे धीरे मुझे ये लगता है कि अब आज़ादी के ऊपर ज़्यादा कदगन लगाई जा रही है। कहने को तो आप सब कुछ कह सकते हैं टीवी के ऊपर, लेकिन एक दो इदारों को छोड़कर, इस्टेब्लिशमेंट को छोड़कर, आपने जिस सियासी रहनुमा को जो है आपने उसकी पतलून उतारनी होती है, आपने उसकी इज़्ज़त उछालनी होती है बग़ैर सबूत के, उसके लिए आप आज़ाद हैं, लेकिन आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है जब इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आप उसके रोल को एग्जामिन करते हैं, चाहे वो सियासी रोल हो चाहे वो कोई और रोल हो। और यही मामला कमोबेश जुडिशरी के साथ भी है, क्योंकि हमारे कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है कि जनाब आप ना जुडिशरी को कुछ कह सकते हैं ना आप आर्म फोर्सेस को कह सकते हैं, ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। तो सहाफ़ियों के लिए जो एक छोटा सा मैदान खेलने का है वो यही है कि आप सियासतदानों की टांगें खींचते रहें, वो इदारे में खुश रहेंगे। आपने सही कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो अदलिया को और फौज को दोनों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, मगर यही वो कॉन्स्टिट्यूशन है जो अदलिया और फौज दोनों की तरफ से पामाल भी किया गया है, और सियासी एतबार से तो आइन की पामाली का इल्ज़ाम आप सियासतदान पर भी लगा सकते हैं, मगर ये भी एक तल्ख तारीख है हमारी। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मुबशर, सवाल ये पैदा होता है कि जिस मुल्क में जो मुंतखब सियासी हुकूमत है उसको ही अपने आइनी और कानूनी अख्तियारात इस्तेमाल करने की आज़ादी ना हो, अख्तियारात इस्तेमाल करने की इजाज़त ना हो, तो वहाँ सहाफ़ी कितना आज़ाद हो सकता है? वो जो कहते हैं हम तो हुकूमत पे तकिया करते हैं कि वो हमें तहफ़्फ़ुज़ देंगे, सहाफ़ियों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, और यहाँ पे तो खुद हुकूमत अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नज़र आती है, तो ऐसे में जो कुछ आप और हम करते हैं क्या हम गैर ज़रूरी ख़तरा नहीं मोल ले रहे? देखिए मती, जैसे आपने अपने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा कि हम सहाफ़त किसके लिए कर रहे हैं, हम सहाफ़त लोगों के लिए कर रहे हैं, उनको सच बताना है। अब अगर हम भी कंफर्ट जोन में चले जाएंगे तो उसके बाद कौन फिर लोगों को हकीकत बताएगा, कौन ये बताएगा कि क्या महलाती जो साजिशें होती है वो क्यों होती हैं? क्योंकि एक स्टैंडर्ड नैरेटिव है इस मुल्क में कि जनाब ये तमाम सियासतदान बुरे हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी बड़ी कोताहियाँ हैं, वो इनेप्ट भी हैं, वो गवर्नेंस भी उनकी ठीक नहीं है। मगर जब ये बात आप कहते हैं जो कि हमारे पिंडी के मशहूर तरीन टीवी सियासतदान शेख रशीद बोलते हैं
कि तमाम सियासतदान उसी नर्सरी से निकले हैं। तो मैं कहता हूं कि जब नर्सरी से निकलते हैं वो सियासतदान तो वो करप्ट हो जाते हैं, और नर्सरी जो है वो पवित्र रहती है, वो मुकद्दस रहती है, उसको कोई नहीं छेड़ सकता। तो कोई ये नहीं समझ रहा कि जिस नर्सरी से वो बाहर निकल के आ रहे हैं उस नर्सरी में कुछ ना कुछ तो खराबी है। तो ये जितने वो हुब्बुल वतन हैं, जितने वो मुल्क का ख्याल रखते हैं, बिल्कुल मुबशर। फिर तो सवाल ये है ना कि अगर आइन में अदलिया और फौज को जो तहफ्फुज़ है वो उस शर्त के साथ है कि अदलिया और फौज उसी आइन का एहतराम करे, अगर अदलिया और फौज उस आइन का एहतराम नहीं कर पाती तो वो उस आइन में दर्ज तहफ्फुज़ का भी दावा तो नहीं कर सकते फिर। और जनरल मुशर्रफ को यार भाई गुज़िश्ता जो आर्मी चीफ हैं, थैंक यू राहील शरीफ साहब, उन्होंने अपनी जो है गोद में बिठा करके उनको बाहर भिजवाया, क्या कोई कुछ कर सका, क्या कोई अदालत कुछ कर सकी, क्या कोई सियासतदान कुछ कर सका, क्या कोई हुकूमत कर सकी? ये वो तल्ख हकीकत है हमारे मुल्क की कि जनाब वो कर लें तो बिल्कुल सब हुब्बुल वतनी के दायरे में है, कौमी मफाद में है, सिविलियंस जो हैं वो कुछ कर जाएं तो जनाब वो गैर मुहिब्बुल वतन भी है, गद्दारी भी है, मुल्क दुश्मन भी हैं। ठीक है जावेद सदीक साहब, बिल्कुल अभी जब से ये DGISPR साहब की वो ट्वीट आई है जिसमें डॉन लीक्स की रिपोर्ट के हवाले से वजीर आजम के नोटिफिकेशन को मुस्तरद किया गया, रिजेक्ट किया गया, उस ट्वीट के आने के बाद बतौर सहाफ़ी आप नहीं समझते कि सहाफत भी थोड़ी सहम सी गई है? हुकूमत तो सहम गई है मगर सहाफत भी थोड़ी मुताद हो जानी चाहिए अब, क्योंकि हम तो हुकूमत की तरफ देखते हैं ना कि ये कितना स्टैंड लेते हैं आइन और कानून के। देखिए ये तो आपने एक बड़ी पिक्चर जो है वो आपने आप सामने ले आए। मैं समझता हूँ कि जैसे आपने खुद कहा कि आइन में चूँकि अदलिया और फौज को एक तहफ़ हासिल है, फिर ये भी कहा गया कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है इट इज़ सब्जेक्टेड टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ लॉ। वो रिस्ट्रिक्शन ऑफ लॉ यही है कि आप अदलिया और फौज को डिसरिप्यूट में नहीं लाएंगे, उसके खिलाफ कोई इस तरह की कैंपेन, मगर अगर वो खुद अपने आप को डिसरिप्यूट में लाएं, ये एक जो है ना ये इस पे ये एक बड़ा सवाल है। और इसमें कब हम इस मखमसे से निकलेंगे कि फौज और अदलिया भी जो है उनको भी मुकद्दस गाय ना समझा जाए, उन पे भी तनकीद हो सकती है अगर वो गलत करें, उनका एहतसाब हो। ठीक है ये एक बड़ा सवाल है, ये अभी हम उस नहज पे उस मरहले में मेरे ख्याल में नहीं पहुँचे। ये दुरुस्त कहा है मुबशर ने कि अभी हम सिर्फ सियासतदानों को हमारे लिए साफ टारगेट हैं सियासतदान, तो ये आप तस्लीम कर रहे हैं? बिल्कुल उनको हम आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है इसको हम अभी भी ये नहीं कर पाते। तो मैं समझता हूँ कि हमारी लिमिटेशंस मौजूद हैं इस अमर के बावजूद कि मीडिया पाकिस्तान का इसको कहते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड ये कह रही है कि ये बड़ा रोबस्ट मीडिया है और ये इस्लामी दुनिया में सबसे ज़्यादा आज़ाद मीडिया है और बहुत सारे मसाले सब। ये बताएं सबसे बड़ा इशू तो ये है कि अब जैसे डॉन लीक हुई तो कहा जाता है जी सियासतदानों ने फौज के खिलाफ खबर छपवा दी, तो क्या ये हकीकत नहीं है कि सियासी हुकूमतों के खिलाफ फौज की तरफ से भी खबरें प्लांट करवाई जाती रही हैं? और आज भी जो ISPR के बहुत सारे हुकाम हैं और जो खुफिया दारों के लोग हैं वो आज भी सहाफ़ियों के साथ रबतों में और उनके जरिए खबरें छपवाते हैं, क्या ये हकीकत है या नहीं? नहीं नहीं ये बिल्कुल है, ये एक पाकिस्तान में ये बिल्कुल सिचुएशन मौजूद है। और मैं ये समझता हूँ कि इसको जो है एक अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल इमर्ज हुई है, पैदा हुई है। पहली बात यह है कि वो जो खबर जो डॉन ने छापी उसमें उनका ऑब्जेक्शन ये था कि ये जो नरेटिव है ये असल में दुश्मन का नरेटिव है, इंडिया का, अफगानिस्तान का है, और यही नरेटिव जो है ये दिया गया है और एक अखबार ने छाप दिया है। अब सवाल यह कि अखबार का तो कोई कसूर नहीं है, और जिसने ये नरेटिव दिया है उस तक आप पहुँचें और उसके खिलाफ एक्शन लें, और एक्शन भी क्या लें, मैं समझता हूँ कि ये डिबेट तो चल रही है, चल रही है, तो सारी दुनिया ये सारी दुनिया में है और ये डिबेट चल रही है। और आप दुनिया में ये कहते हैं कि हमने माजी की पॉलिसी छोड़ दी है, लेकिन अब ये तस्लीम भी करते हैं। अब ये है कि वो चूंकि एक हुकूमत ने खुद तस्लीम कर लिया कि जी हाँ हम इसकी इंक्वायरी करवाएंगे तो कंफर्म कर दिया, और इस तरह से कंफर्म कर गया कि एज इफ देयर वाज अ बिग कॉन्स्पिरेसी। और जावेद साहब उस खबर से एक तासुर ये मिला था कि जैसे पाकिस्तान में सारे फैसले फौज करती है या करवाती है जबरदस्ती, और ये जो DGISPR की ट्वीट है क्या इस तासर को तस्दीक नहीं होगी? ये जो मतलब उसके ऊपर वो जो ट्वीट था उसमें रिएक्ट किया इंटीरियर मिनिस्टर ने
कि इसकी क्या ज़रूरत है और ये तरीका कातल ये जहर और ये तरीका कार नहीं है। उसके बाद मैं समझता हूँ कि देर अ स्टैंड ऑफ बिटवीन द सिविलियन एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। सिविलियन हुकूमत जो है वो अभी तक वो नहीं कर पा रही जो कि वो चाह रहे थे कि आपने जो रिपोर्ट दी थी या हमने रिकमेंड की दी थी उसको इन टोटो उसके ऊपर अमल दरामद करें, और कुछ हिस्से जो हैं वो अभी तक उन पर अमल नहीं हुआ। दो फातमी साहब को फारग कर दिया गया, राव तहसील पी आई ओ फारग हो गए, लेकिन उनका ख्याल है कुछ और भी चीज़ें हैं। मगर हम ये सुन रहे हैं कि इसमें ये भी शामिल है, आई डोंट नो टू व्हाट एक्सटेंट इट इज़ करेक्ट, कि डॉन अखबार को सस्पेंड कर दिया जाए इसकी पब्लिकेशन 2 वीक्स के लिए कम अज़ कम। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, वो क्या चीज़ें हैं जो वो चाह रहे हैं कि इन पर इम्प्लीमेंटेशन। सो मच फॉर प्रेस फ्रीडम जावेद साहब। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमें अब ये मुकाबले की फ़ज़ा जो कौमी सलामती के हमारे इदारे हैं, खुफिया इदारे एक तरफ, दूसरी तरफ सियासी हुकूमतें, इसको ख़त्म नहीं करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए इमीडिएटली, क्योंकि आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात नहीं हुई, अभी नहीं हुई है, कोई रास्ता नहीं। मैं समझता हूँ कि ये एक इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए, और इनिशिएटिव फ्रॉम दी गवर्नमेंट सही या उस तरफ से सही, और इस स्टेलमेट को ख़त्म करना चाहिए। इससे स्पेकुलेशंस जो है ना वो जनरेट हो रही हैं हर तरह की, कि मिलिट्री और सिविलियन जो लीडरशिप है वो एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी है, तो इसलिए इसको ख़त्म करने के लिए इससे गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होती है और बहुत सारी क्या सराइयाँ इससे फूटती हैं। तो मैं समझता हूँ इसको ख़त्म करने के लिए एक इनिशिएटिव की ज़रूरत है, इनिशिएटिव की ज़रूरत है, चाहे वो इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हो या आर्मी चीफ की तरफ से हो। हमजा अमीर, आपने सलीम शहजाद की वफात के बाद आपने सहाफत में कदम रखा या पहले से आप जर्नलिज्म कर रहे थे? मैं पहले से जर्नलिज्म में था, आप कर रहे थे जब वो हयात थे तब था, ठीक है, और उनकी डेथ के बाद जो है मैंने कंटिन्यू किया। अच्छा, एक तासुर ये भी मिलता है सलीम शहजाद की रिपोर्ट में, उनके अपने ही कुछ दोस्त थे, उन्होंने कहा कि उनके खुफिया इदारों के साथ वैसे भी रबते रहते थे। एक जर्नलिस्ट जो है अपनी खबर के लिए, ख़ासकर जो इंटरनेशनल मीडिया का जर्नलिस्ट है, उसको तो खबर कहीं से मिले वो लेता है, तो आप समझते हैं वैसे कि खुफिया इदारों के साथ जो सहाफ़ी के रबते हैं उसके कोई हदूद व कयूद और कोई जबते होने चाहिए? देखिए मतीउल्ला साहब, मैं खुद क्योंकि जर्नलिस्ट हूँ, तो जब भी हमें हमारी रिपोर्ट्स जो हैं वो सोर्स बेस्ड होती हैं, रिलायबल सोर्स होती है, कुछ वीक सोर्स होती है, वीक सोर्स हम नहीं कंसिडर करते। अब रिलायबल सोर्स क्या होती है? अगर आपको किसी कोई फ़ौज की खबर चाहिए तो, या फ़ौज से आपने खबर कंफर्म करनी है या उसको कोट करना है, तो ISPR सोर्स है, और वहाँ पे कुछ लोग अगर ऐसे हैं जिनसे आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, आप उनसे वेरीफाई कर सकते हैं, देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। इसी तरह से गवर्नमेंट क्वार्टर्स में भी ऐसा ही होता है, चाहे वो आप इसको देख लें या उसको देख लें, आपको स्टोरी बैलेंस करने के लिए आपकी सोर्सेस। पाकिस्तान के जो मखसूस हालात हैं, ये तो आप एक इंटरनेशनल बात कर रहे हैं ना प्रैक्टिस की, के सोर्स तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो क्लोजेस्ट हो वाकई से, आपकी सोर्स वही है। ये बताएं पाकिस्तान के जो खुफिया इदारे हैं, क्या उनके अहलकारों को बतौर सोर्स आप सियासी स्टोरी के लिए भी बतौर सोर्स इस्तेमाल करना चाहिए? मतलब हुकूमत के खिलाफ कोई इंफॉर्मेशन है या कोई बात है तो क्या जर्नलिस्ट को वो बाई कर लेनी चाहिए इन्फॉर्मेशन? अगर रेलेवेंसी है तो जाहिर क्यों नहीं करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। आप कोई भी स्टोरी आप किसी को भी कोर्ट ऐसे नहीं कर सकता। कुछ कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इवन अमेरिका में ट्रंप को, प्रेसिडेंट ट्रंप को ये पिछले दिनों उसने कहा कि मेरे मुखालिफिन जो हैं विद इन दी गवर्नमेंट वो स्टोरियाँ प्लांट कर रहे हैं अमरीकी प्रेस के ऊपर, ठीक है। तो एक तरह से मैं समझता हूँ कि ये दुनिया में ये गेम चलती रहती नहीं, है, गेम चलती है जावेद साहब, मगर पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को जेपर्डाइज करने के लिए नहीं, वो तो नहीं है, उसको मिलाइन करने के लिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मिलाइन करने के लिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, वो तो कॉन्कोशन हो गई ना, कि आप अगर कोई कॉन्कोटेड स्टोरी कर रहे हैं तो जो प्लॉट हो रही है उसके अंदर अगर आप रोल कंकॉक्शन और बात कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे कि एक हमारी खास मेरी हमारी तारीख है ना जी मुबशर, मैं आपसे यही सवाल करना चाह रहा हूँ कि क्या हमारे आज भी जो है जो फौज के तर्जमान का दफ्तर है या खुफिया इदारे हैं, क्या ये हकीकत नहीं है कि जितने पॉलिटिकल कुछ खास वीडियो क्लिप्स होते हैं जिसमें सियासी हुकूमत की कारकर्दगी पे एक मनफी तासर मिल रहा होता है वो शेयर किए जाते हैं और ये तवक्को की जाती है कि इसके ऊपर साफी मजीद काम करें, तो क्या ऐसा करना चाहिए एक डिसिप्लिन इदारे के अफसरान को और हुकाम को? क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं व्हाट्सएप पे? मती, मैं तो आपको पता है आपकी तरह मुझे भी ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल नहीं किया जाता, तो मैं जो हूँ इस बात को टेस्टिफाई तो नहीं कर सकता, लेकिन ये जो मेरे दोनों भाइयों ने और आपने भी बात की, देखिए अगर आपने फौज से या इंटेलिजेंस एजेंसी से रबते रखने हैं तो ज़रूरी है कि आपकी बीट डिफेंस हो और डिफेंस रिलेटेड मैटर्स हों तो आप उनसे बिल्कुल रखें, सिक्योरिटी का अगर मसला है तो रखें,
पॉलिटिक्स के ऊपर ये कैसे हो सकता है कि मैं सियासी बीट कर रहा हूँ और मैं जो हूँ आईएसआई के जो सेल है पॉलिटिकल, आप उसे मीडिया सेल कह लें या आईएसपीआर से उनका वर्जन ले रहा हूँ, उनका क्या काम है ये सारी चीज़ों का? लेकिन हमारे यहाँ मसला ये हो गया है कि हफ्ते में 200 शोज़ होते हैं जो करंट अफेयर्स, उनको मवाद चाहिए होता है और वो बड़ी तादाद में दस्तयाब है एस्टेब्लिशमेंट के चैनल से। अगर आपने किसी भी सियासतदान को या सियासी जमात को अंडर प्रेशर लेकर के आना है तो आपको धड़ाधड़ वो मवाद लिखा हुआ क्लिप्स की सूरत में और दूसरी सूरत में मिल जाएगा। और एक बात मैं इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, हमने क्योंकि शुरू सहाफत से किया था मती, सहाफत अगर आज़ाद ज़रा भी होती इस मुल्क में तो आज हमें पता होता कि हयातुल्ला का कातिल कौन है, आज हमें पता होता कि हामिद मीर को किसने गोली मारी, आज हमें पता होता कि मेरे भाई सलीम शहजाद को किसने शहीद किया। आपने इन तीन, ये हमारे सामने गुज़िश्ता चंद सालों की मिसालें हैं, उसके अलावा बहुत से हमारे साथी शहीद हुए हैं। मुझे एक इंक्वायरी बता दें किसी भी की भी जो सामने आई हो, इसका मतलब है कि सहाफत जो है वो बिल्कुल अंडर प्रेशर भी है, वो ख़तरे में भी है, और अगर खुदा ना करे किसी भी मेरे भाई को, बहन को या किसी साथी जर्नलिस्ट को नुकसान पहुंचता है तो सिवाय इसके कि हम उसके जा कर के उसकी फातिहा पढ़ लें, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो अदलिया है या ये जो फौज है ये उस चीज़ को तो बिल्कुल इनकरेज नहीं करते। ठीक, मगर मुबशर ये भी तो हकीकत है ना, अभी हाल ही में पैमरा ने बोल टेलीविजन का लाइसेंस मंसूख कर दिया, उसको बंद कर दिया, और ये आम तासर था कि बोल टेलीविजन के पीछे जो है वो शायद मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और जो हमारी सियासी हुकूमत है उसको ये खदशात थे कि अगर इलेक्शन करीब आए तो शायद ये चैनल इस्तेमाल होगा इन इस सियासी हुकूमत के खिलाफ या सियासी पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के लिए, ये खदशात थे, ये इल्ज़ाम भी बहुत से लोग चोरी छुपे लगाते थे। मगर क्या इसका ये इलाज है, बजाय इसके कि आप कौमी सलामती के इदारों को ऊपर कंट्रोल करें आप एक चैनल को बंद कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि वो इस्तेमाल ना हो जाए, क्या हुकूमत को ये करना चाहिए था? इस सवाल का जवाब दादी राय के हवाले से बात करने की कोशिश कर रहे हैं अपना अपना गरेबान में, मुबशर जैदी हमारे साथ मौजूद हैं। मुबशर, वही सवाल जो वक्फे से पहले हुआ कि जो खदशात थे बोल टीवी के पीछे कौन है, उस कौन के ऊपर तो आपकी हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती क्योंकि वो शायद ज़्यादा तगड़े हैं, आपको आंखें दिखा सकते हैं, तो आपने उस इदारे को ही बंद कर दिया जिसमें 1,000-1,500-2,000 सहाफ़ी और मीडिया के वर्करों की नौकरी लगी थी, रोज़गार लगा था, उसको ऊपर आपका जोर चल गया, तो होना क्या चाहिए था आपके ख्याल में? मती देखें, मैं जो है ना बोल को एक उस खोखे की तरह से ताबीर करता हूँ जो गैर कानूनी तरीके से कहीं बन गया और वहाँ पर बैठ करके उन्होंने चीज़ें बेचनी शुरू कर दी, और उन्होंने जो सहाफत की वो हम सब ने देखी, जितना जहर फैलाया गया वहाँ से वो एक अलग बहस है। लेकिन जैसे जावेद सिद्दीक साहब ने कहा कि हमें कहीं ना कहीं लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ता है, ये चैनल पहले दिन से इसके पास लाइसेंस नहीं था, सिक्योरिटी क्लियरेंस जो थी वो भी नहीं थी, वो विड्रॉ भी कर ली गई, पहले भी कर ली गई, उसके बावजूद ये चलता रहा। ठीक है, पैमरा इसके खिलाफ गया अदालतों में, उसके वहाँ से उनको स्टे मिल गए, उसके बाद अब जा कर के जो है दोबारा सिक्योरिटी क्लियरेंस उनके डायरेक्टर्स ने, क्योंकि उनको स्टे मिल गया था तो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुबशर, ये तो कानूनी बात है ना, क्योंकि इसमें कुछ फैक्चुअल पोजीशंस मुबशर, थोड़ी सी फैक्चुअल पोजीशंस डिफरेंट भी हैं, क्योंकि शुरू में इनको एनओसी दिया गया, लाइसेंस भी दिया, बाद में फिर मंसूख हुआ, जो भी हुआ जैसे भी हुआ एक इदारा था उसमें हमारे 1,000-1,500 साथी थे मतीउल्ला जान, इन्होंने तो मुबशर, लेकिन ये सब कुछ चंद लोग करते रहे ना, तो लबैक का लाइसेंस तरफ इशारा कर रहे हैं, दिया गया, फिर एग्जैक्ट की स्टोरी आई, उस पर केस बना, उसके बाद वो सिक्योरिटी क्लियरेंस विदड्रॉ हो गई बिकॉज इनके खिलाफ केस बन गया ना। उसके बाद क्या हुआ, अभी भी आपको पता है यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट में इनका एक आदमी पकड़ा गया जिसके हवाले से खासी बात हुई। उसके बाद अगर देखें, हुकूमत विदड्रॉ कर लिया सिक्योरिटी क्लियरेंस, और मैं आपको बताऊं अदालतों में कि एक इदारा चल रहा है, 1,000-1,500 बंदा वर्कर है, हुकूमत तमाशा देखती रही है, जब लोग नौकरियां छोड़ के यहाँ पे अपनी जिंदगी दाव पे लगा रहे थे उस वक्त हुकूमत क्यों खामोश रही, क्यों नहीं हुकूमत ने बर वक्त एक्शन लिया, या शुरू में कैसे इजाजत दी गई इसको? अब एक स्टेक डेवलप हो गया,
एक कम्युनिटी का, तो मेरे ख्याल में उसको भी अचानक बंद करना तो मुनासिब नहीं है। और इसके पीछे शायद खर्चा लेकिन मुझे बताएं जिसका वो माउथ पीस है, जिसका वो माउथ पीस है वो उनको वैसे भी खिला देंगे। आप इस बारे में प्लीज थोड़ा सा, मैं क्योंकि मेरे ख्याल में कर रहा हूं, आप जो है ना, मैं ये कह रहा हूं कि जिसका माउथ पीस है उसको आप कंट्रोल कर नहीं सकते, तो आप एक इदारे पे आपका जोर चलता है, उसको आपने बंद कर दिया, क्या उस माउथ पीस जिनका ये माउथ पीस है उनको हुकूमत को कंट्रोल नहीं करना चाहिए? यार हर बेचारा वजीर आजम आके कंट्रोल करने की कोशिश तो करता है, नहीं बेचारा वजीर आजम की बात नहीं, कभी मैमुगेट हो जाता है, कभी कभी फिर ये डॉन की खबर वाला मामला हो जाता है। हर वजीर आजम शुरू में आकर के ट्राई तो करता है। आपको याद होगा कि साबिक वजीर आजम इफ्तिखार गिलानी ने असेंबली में, जो यूसुफ रजा गिलानी सॉरी, उन्होंने असेंबली में बोला कि हम पर वीजा देने वाले ये बताएं कि उसामा को एबटाबाद का वीजा किसने दिया था। और आप क्या चाहते हैं देखें इस सारे सूरत हाल में, आप किसी तरीके से तो हुकूमत चलाएंगे ना। मैं कोई ना हुकूमती नुमाइंदा हूँ और ना मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा हूँ, और आपको भी पता है मुझे भी पता है हम लोग क्रिटिसाइज करते रहे हैं, उनके भी स्कैंडल्स निकालते रहे हैं, और क्योंकि हमारा जो सारे का सारा जर्नलिज्म है वो लोगों के लिए है। लेकिन इस केस में अगर ऐसा ही है कि मैं एक अखबार निकाल लूँ जिसकी डिक्लेरेशन ना हो और उसके बाद मैं कहूँ जी इसको लीगलाइज करें, तो इसमें थोड़ा सा पेचीदा मसला है। जो हाईकोर्ट में जो कागजात पेश किए, मैं आप मेरी अब बात सुन लें, इजाजत किस बिना पर दी गई, इजाजत इन्होंने ली सिंध हाईकोर्ट से, फैक्ट्स के ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं। नहीं सुन तो ले, अब आप सुनना चाहते हैं ना कि इजाजत कैसे मिली, तो मेरी पूरी बात सुन ले। ये गए सिंध हाईकोर्ट में, इन्होंने जाकर के ये बयान दिया कि हमारी सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल गई है, और उन्होंने कहा जी कहाँ है, तो इन्होंने एक आईएसआई का लेटर जो है वो उसमें साथ लगाया कि जनाब आईएसआई ने हमें क्लियरेंस दे दी है। अब ना कोर्ट ने इनसे पूछा कि ये आईएसआई जो है ये तो वजारत दाखला के अंडर आती है, वजारत दाखला ने आपको क्लियरेंस देनी है, आईएसआई ने नहीं देनी। आईएसआई तो नहीं आती है, लेकिन ठीक है क्योंकि आईएसआई के अलावा दूसरी इदारों से भी सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी पड़ती है। ठीक है, बहरहाल ये फैक्ट्स की बात है। जावेद सदीक साहब, अब आखिर में हमें अगर थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दें कि जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात हैं, जब तक हुकूमत आइन और कानून की बालादस्ती को साबित करते हुए अपना अख्तियार इदारों पर नहीं जिताती, तो क्या उस वक्त तक सहाफ़ी इतना खुल के आज़ादाना सहाफ़त कर सकता है पाकिस्तान में? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में ये जो आपने सवाल किया बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि कब सिविलियन अथॉरिटी जो है उसको माना जाएगा और वो अपने आप को एस्टेब्लिश करवा सकेगी ऑन ऑल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट इंक्लूडिंग द आर्म फोर्सेस। उसके लिए एक स्ट्रगल और एक कश्मकश जारी है। 1977 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है उन्होंने किसी हद तक वॉज़ ए पॉपुलर लीडर अपनी सिविलियन अथॉरिटी मनवा ली थी, लेकिन बाद में उनको भी हटा दिया गया, फिर उनको हैंग कर दिया गया। उसके बाद आपको पता है तवील अरसे तक ये स्ट्रगल होती रही कि सुपीरियरिटी किसकी है, रिट किसकी चलेगी वगैरह वगैरह। 85 में जब जमहूरियत बहाल हुई जनरल ज़ियाउल हक ने, उसमें आर्टिकल 58(2)(b) कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया और वो कहा जाता था कि ये फ़ौज की प्रॉपर्टी है। थ्रू आर्टिकल 58(2)(b) प्रेसिडेंट जो है 2.5 साल के बाद सिविलियन गवर्नमेंट को घर भेजा। तो ये एक स्ट्रगल चल रही है। 2008 से लेकर अभी तक हम समझते थे कि किसी हद तक सिविलियन हुकूमतों को वो सब भरम भी गया, वो भी खत्म, वो भरम भी खत्म। तो मैं समझता हूँ कि अब क्या है। अच्छा मेरा एक सवाल है जावेद साहब, अब आने वाले वक्तों में हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब एक बहुत बड़ा पार्टनर हो गया है हमारे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का, डायरेक्टली गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा रेलिवेंट इसमें नहीं लगती। चाइना जिसने $50 अरब पाकिस्तान में वो जमहूरियत के लिए नहीं लगाए, उन्होंने अपनी सीपैक शाहरा की हिफाजत के लिए कंसर्न है। इसी तरह अमेरिका अफगानिस्तान में कंसर्न है हमेशा से हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का डायरेक्ट पार्टनर है। क्या इसके बाद फेडरल गवर्नमेंट और आज़ाद सहाफत पाकिस्तान में मुमकिन है? मैं समझता हूँ कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो भी पाकिस्तान पर असरअंदाज होते हैं। पाकिस्तान की इंटरनल जो पॉलिटिकल जमहूरियत और सहाफत पे कैसे असरअंदाज हो, असरअंदाज इस तरह होते हैं कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी जो है वो दाखिली सियासत पर भी असरात मुरतब करती है। आपने चाइना का जिक्र किया, असरात हो गए, देखे ना इसके असरात क्या हो सकते हैं कि जब वो देखें कि पाकिस्तान की स्टेट जो है उसको इस डायरेक्शन में अगर उनको 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 फ़ायदा नहीं है। मतलब अमेरिकन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भुट्टो को रिमूव करवाया,
अमेरिकन्स में को कहा जाता है कि वो मुशर्रफ का जो कू था उसके पीछे भी अमेरिकन्स थे। तो ये बहुत सी बातें, बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं लेकिन फैक्ट्स भी हैं। इसी तरह जो हमारे सऊदी अरब हमारे भाई हैं, सऊदी गवर्नमेंट है, चाइनीज़ हैं, क्लोज फ्रेंड्स, लेकिन अगर वो देखते हैं कि ये उनका स्टेक बहुत खतरे में है, उनका स्टेक $50 अरब की इन्वेस्टमेंट है, जमहूरियत तो, नहीं है पाकिस्तान ओके की। अगर वो ये समझते हैं कि जी हमें इस डायरेक्शन में जाके अपने ये स्टेक्स को बचाना है, इनको महफूज बनाना है, तो समथिंग कैन हैपन। मैं क्विकली मुबशर साहब से कंक्लूड करना चाहूँगा। मुबशर, आप क्या समझते हैं सऊदी रिलेशनशिप विद पाक आर्मी, चाइनीज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पाक आर्मी और फिर अमेरिकन इंटरेस्ट इन पाक आर्मी, ये हमारी जमहूरियत और सहाफत के लिए कैसा मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? देखें, एक तो मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क में जमहूरियत हो या कुछ भी हो उसकी बेहतरी के लिए कुछ नहीं देता। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हर कोई जो इस वक्त है वो माशी फ़ायदा देखता है, उनको माशी फ़ायदा नज़र आया है, उन्होंने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया है। दूसरी बात यह है कि मुझे ख़तरा यही है कि गोइंग फॉरवर्ड जो है बहुत ज़्यादा जो है सहाफ़ियों के ऊपर कदगन से मुराद यही प्रेशर है जो कि लगता रहेगा। और जैसे हमने देखा कि सहाफ़त में अब वो सहाफ़ी बहुत कम होते जा रहे हैं जो खुल के बोलते हैं, ज़्यादातर जो है उन्होंने लाइन टो करनी शुरू कर दी है। कहीं ना कहीं वो किसी भी बहाने, वो चाहे कौमी मफाद के बहाने हो, चाहे अपनी जान बचाने के बहाने हो, तो मुझे ये लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और खसूसन सहाफ़ियों के लिए खासी मुश्किलात होंगी। ठीक, बहुत शुक्रिया मुबशर ज़ादी। मैं हमज़ा क्विकली आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा, सलीम शहज़ाद सहाफ़ी जो हैं उनकी फैमिली के बारे में कुछ बताएंगे। आज सेटल उनको मुआवजा मिला, उनके बच्चों का, उनकी वाइफ के वाले से कहा गया था जॉब देने का। उनको गवर्नमेंट की तरफ से 30 लाख की कॉम्पनसेशन अनाउंस हुई थी, वो मिल गई थी। गवर्नमेंट जॉब ऑफर हुई थी, वो नहीं कर सकती थी, बच्चे छोटे थे, उनको संभालना था। बच्चों को एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल्स में ऑफर हुई थी, सरकारी स्कूलों अवेल नहीं की थी। हाँ जी, अच्छा, लेकिन सरकारी स्कूलों में, हाँ जी, और 5 साल हो चुके हैं अभी तक। सक्सेशन का एक प्रोसेस होता है, जो एसेट्स होते हैं वो आगे बच्चों के नाम पर लीगल हायर्स पर मूव होते हैं। आज दिन तक वो वैसा का वैसा वहीं का वहीं पड़ा है। क्या वजह? कोर्ट की हेयरिंग्स चल रही हैं और उसके अंदर अनवांटेड अनड्यू डिलेज चले जा रहे हैं। अच्छा, उनको इनहेरिटेंस सर्टिफिकेट भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिला। क्या कोई डिस्प्यूट है फैमिली में? या कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो फिर भी कोर्ट डिले कर रही है। कोर्ट की तरफ से डिलेज हैं। और कौन सी कोर्ट है ये? सिंध हाई कोर्ट। वहाँ पे स्टे हुए हैं कोई या कुछ? स्टे कुछ भी नहीं, अपील गई है, अपील गई भी है और उसको उसकी हेयरिंग चल रही है पिछले 5 साल। चले, बहुत शुक्रिया जावेद सदीक साहब, हमजा अमीर साहब, मुबशर ज़ैदी, आपने वक्त दिया। हमने कोशिश की पाकिस्तान में आज़ादी राय और जमहूरियत के मुस्तकबिल के हवाले से खुलकर और आज़ादाना बात करने की। ये फैसला आप ही कर सकते हैं हम किस हद तक अपनी आज़ादी राय और आज़ादी सहाफ़त को साबित कर सकें। अपना अपना गरेबान से इतना ही। मतीउल्लाह जान को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।